किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं भयावहता है इस तस्वीर से, लोगों में दहशत है कि आने वाले समय में ये जो पानी है इसका रुख क्या होगा और क्या कुछ बर्बाद करके चला जाएगा। तो लोग जरूर दहशत में है, हालांकि प्रशासन भी चौकस नजर आ रही है। सीआरएफ की टीम को काफ़ी जल्द यहां पर उतार दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सीआरएफ की टीम मौजूद रहे, लोगों की सहायता के लिए मौजूद रहे। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह भी दी जा रही है और लगातार इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि आप उन इलाकों में ना जाए जहाँ बाढ़ का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है और जहाँ पानी बड़ी तबाही मचा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। कशिश न्यूज़, खबर भी असर भी। आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार। ऐसा नहीं कि खुश्क है चारों तरफ जमीन, प्यासे जो चल पड़े हैं तो दरिया भी आएगा। सुपर 30 सफलता की कहानी तो सभी को पता है, लेकिन हर सफलता के पीछे कई मुश्किलें भी होती हैं। एक जीवट व्यक्तित्व जिसने दूसरों के सपनों को अपना सपना बना लिया, नाम है आनंद कुमार। सुपर 30 के संस्थापक और हजारों लाखों स्टूडेंट की प्रेरणा आनंद कुमार को जब साल 1994 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला तो मानो सपना सच हो गया, लेकिन जब हकीकत से रूबरू हुए तो पता चला कि सिर्फ एडमिशन मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद कुमार के परिवार के पास फीस तो दूर, कैम्ब्रिज जाने के टिकट के भी पैसे नहीं थे। आखिरकार उन्हें सीट छोड़नी पड़ी। उस समय भले ही आनंद कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, लेकिन आज आनंद कुमार की कोचिंग सुपर 30 से 100% स्टूडेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में सफल होकर बड़े कॉलेजों में न केवल दाखिला ले रहे हैं, बल्कि आज उनके कई स्टूडेंट विदेशों में उच्च पदों पर हैं। दरअसल आनंद कुमार को कैम्ब्रिज न जा पाने की टीस थी और इसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। उन्हें सरकार की ओर से क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव मिला, लेकिन वे कुछ अलग करने की ठान चुके थे। मां ने भी मनोबल बढ़ाया, फिर क्या था। 1992 में आनंद कुमार ने 500 रुपए प्रति माह किराए से एक कमरा लेकर अपनी कोचिंग शुरू की। यहां लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती गई। 3 साल में लगभग 500 छात्र छात्राओं ने आनंद कुमार के इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया। सफर सफलता की ओर अग्रसर था। इसी बीच साल 2000 की शुरुआत में एक गरीब छात्र आनंद कुमार के पास आया जो आईआईटी जी करना चाहता था, लेकिन फीस और अन्य खर्च के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद 2002 में आनंद कुमार ने सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत की, जहां गरीब बच्चों को आईआईटी जी की मुफ्त कोचिंग दी जाने लगी। समय का कारवां चलता रहा और अब बिहार के जीनियस गणितज्ञ और शिक्षक आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 फिल्म रिलीज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शमा सुहेल। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। जी हाँ, सुपर 30 इसका नाम तो हर लोगों ने सुना होगा और आज रीजेंट हॉल में सुपर 30 देखने दर्शकों के बीच हम पहुंचे हैं कशिश न्यूज के साथ। दर्शकों से जानेंगे कि आखिर सुपर 30 बिहार की गलियों से निकलकर सात समुंदर पार गया और अब पूरे बॉलीवुड में तहलका मचाए हुए है।
आइए जानते हैं दर्शकों से उनकी राय इस सुपर 30 के बारे में क्या है। कल पढ़ाई नहीं होगा, कल होली पे तुम सब जनता के सामने नाटक करोगे, वो भी अंग्रेजी में। No, no, no.